आज हम बना रहे हैं खसखस और नारियल के लड्डू। खसखस के हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिन्हें नींद नहीं आती या नींद ना आने की प्रॉब्लम है, ये लड्डू उनके लिए भी बेस्ट हैं। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण अगर मुंह में छालों की प्रॉब्लम हो तो ये उसके लिए भी अच्छे हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालेंगे। दूध हमने लेना है 1 किलो। अब हम इसे गर्म करना शुरू करेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म होता है, हम तब तक एक नारियल का ये गोला लेंगे। इसको मैंने ऊपर से काट दिया है और इसके अंदर हम खसखस भर लेंगे। तो ये लीजिए, खसखस को हमने डाल दिया। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और आटे को इसके चारों तरफ लगा देंगे। अब जो पीस हमने काटा था उससे इसको बंद कर देंगे और दबा देंगे सारा आटे को, ताकि ये दूध में जाकर खुले ना। हमने इसे अच्छी तरह बंद कर दिया है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे। दूध को उबाला आ गया है, हमने बीच बीच में इसे पलटाते रहना है। साइड से जो मलाई आती है उसको बीच में करते जाइए और उसे बीच बीच में पलटाते रहिए। आप कढ़ाई की जगह पर पैन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा नारियल डूब जाएगा। दूध को हमने तब तक उबालना है जब तक ये बिल्कुल लास्ट में आधा ग्लास ना रह जाए, फिर हम नारियल को निकाल देंगे। तो देखिए, अब दूध सूखकर आधा हो गया। 1 किलो दूध था, जिसमें से अब आधा किलो रह गया। अभी इसे हमने और सुखाना है। तो लीजिए, अब दूध सूख चुका है। अब हम बीच में से नारियल निकाल देंगे। बस हल्का सा जो और बचा है इसे भी सुखा देंगे। बाकी दूध सूखने तक हम नारियल को कट कर लेंगे। बस अब दूध सूख चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे, नारियल और खसखस को ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने नारियल और खसखस को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। मैंने पीसी हुई चीनी यूज की है और 5 चम्मच डाली है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हमारा मटेरियल ठंडा होने पर ही इसमें हमने चीनी ऐड करनी है, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसके यहाँ पर आप बूढ़ा चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने तो पीसी हुई चीनी डाली है घर में पीस कर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।